सर देश के पहले शिक्षा मंत्री को आप लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मौलाना अब्दुल कलाम साहब देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने हैं और आज हम सब लोगों ने उनको फूल अर्पण किया है। जिस प्रकार से देश में मिल्लत का, प्रेम का, भाईचारा का और ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो उनका संदेश है, उस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ, यही इस अवसर पर संकल्प लेते हैं। सर, विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, कई महीनों में ऐतिहासिक भी रहा, लेकिन कई बयान के चर्चे भी हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? चर्चा तो होती ही रहती है, सत्र जो जब चलता है तो चर्चा होती है, अच्छाई की भी चर्चा होती है और बुराई की भी चर्चा होती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे सदन में और जिस तरह से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक जो फैसला लिया, जिसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है, जाति आधारित जनगणना का जब रिपोर्ट पेश किया और उस पर जब बहस हुई, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उसको हल्के में लिया और देश के गरीबों के लिए, देश के जो अभी तक जो प्रताड़ित रहे हैं, देश में जो अभी तक बिहार में जो जिनको अधिकार से वंचित रहे, उन लोगों के लिए जब कुछ किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने देते हैं और 3-4 दिनों तक लगातार सदन का कार्यवाही बाधित रहा। ये संसदीय लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में, संसदीय प्रणाली में जिनको भरोसा नहीं है, वही लोग इस तरह के कृत्य करते हैं। मांझी के दलित सियासत शुरू हो गई है, कह रहे हैं कि दलित अपमान। बिहार में विकास की सियासत शुरू है, बिहार में तरक्की का काम शुरू है और बिहार में आपस में मिल्लत, भाईचारा और प्रेम का काम शुरू है। बिहार में अब दूसरा कुछ नहीं टिकेगा, सिर्फ आपस में मिल्लत, प्रेम, भाईचारा और बिहार की तरक्की और बिहार में जो वंचित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की दिशा में जो बिहार की सरकार ने काम किया है, वो आज बिहार के लोगों के लिए है और बिहार के लोग यही चाहते हैं। जीतन राम मांझी ने कल सर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री को कुछ विषैला पदार्थ दिया जा रहा है। अरे भाई, जीतन राम मांझी जी अगर सही दिशा में जाते हैं तो आज ये हालत होती उनकी? जिसको राज का ताज पहनाया गया, जिसको नीतीश कुमार जी ने अपना ताज पहरा दिया और ताज की गरिमा को जब नहीं रखा, तो अब ये क्या बोलते हैं, उसका कौन क्या माने हैं और बिहार की जनता कौन नोटिस ले रहा है? ऐसे लोगों की कोई नोटिस बिहार में भी नहीं ले रहे, देश में भी नहीं ले रहे और किसके इशारे पर कर रहे हैं ये भी बिहार के लोग सब जानते हैं। सदन से सड़क तक अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं अब सड़क तक हम जाएंगे, हम सबको पब्लिक को बताएंगे। तो कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो इच्छा है सो कीजिए, कौन मना कर रहा है? जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन बिहार की जनता के साथ जो काम हुआ है, ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जाति आधारित गणना और उसके बाद आरक्षण और उसके बाद शैक्षणिक क्षेत्रों में भी आरक्षण जो हुआ है, ये बेमिसाल हुआ है। इसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अब तो बिहार को चाहिए विशेष राज का दर्जा, अब देश को चाहिए जाति आधारित गणना।